ऑडियंस, क्या हाल चाल? उम्मीद होगी बढ़िया और मस्त होंगे। आप सबको मैं बता दूं तो अभी मैं आया हूँ कानपुर के ब्लू वर्ल्ड में, जो कि एशिया का सबसे बड़ा वाटर पार्क माने जाने वाला है। जस्ट आप हमारे बैक साइड पे देख पा रहे हैं, यह है कानपुर का ब्लू वर्ल्ड वाटर पार्क। अगर आप लोग यहाँ पे आना चाहते हैं तो आई डिस्क्रिप्शन बटन पे एक लिंक आई है, जिसको आप टैप करके आप लोग जा सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं कैसे यहाँ पे आया जा सकता है। तो चलिए मैं आपको विजिट कराता हूँ कानपुर का ब्लू वर्ल्ड वाटर पार्क। जस्ट मैं दिखाता हूँ क्या रेट है यहाँ के और क्या चीज़ें हैं, पूरे फुल वीडियो में आपको जानकारी मिलने वाली है। वीडियो को पूरा फुल विजिट कीजिएगा, लास्ट तक देखिएगा क्या क्या चीज़ें आपको अंदर दिखाने वाला हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चलिए मैं आपको ले चलता हूँ अंदर की साइड, और पहले उससे पहले टिकट वगैरह ले लेता हूँ, आपको बता दो क्या कंक्लूजन है यहाँ पे, मतलब क्या रेट है, हर चीज़ आपको बताने वाला हूँ वीडियो में। ऑडियंस अभी हम लोग टिकट काउंटर पे लाइन लगा चुके हैं, जस्ट आप सामने की साइड टिकट का देख पा रहे हैं रेट, थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ। अगर आप लोग को टिकट का रेट फुल्ली जाना हो तो वीडियो को आप लोग पॉज कर लीजिए, आप लोग देख लीजिए क्या रेट है टिकट का। ऑडियंस अभी हमने अपना टिकट और फूड कूपन ले लिया है, जस्ट हम लोग लाइन लगा चुके हैं अंदर के लिए चलने के लिए। अभी आप देख पा रहे हैं बैंड आपको हाथ में हैंड में पहना जा रहा है, और अंदर की साइड चलेंगे, अंदर की साइड देखिए क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। सिक्योरिटी चेकअप हुआ पूरा और हम लोग को मिला मजा लेने के बाद हम लोग अंदर की साइड आ चुके हैं। जस्ट आप बैक साइड का नज़ारा आप लोग देख पा रहे होंगे, और हम लोग चलते हैं अंदर की साइड, जो कि यार भाई क्या नज़ारे हैं यहाँ के, खूबसूरती तो बहुत ही ज़्यादा है भाई। आइए हम आपको एक सिनेमैटिक शॉट के जरिए दिखाते हैं यहाँ के वीडियो को। ऑडियंस भाई क्या नज़ारे हैं यहाँ के, आप अगर देख रहे होंगे ये नज़ारे पूरे फिल्म सिटी से कम नहीं होने वाले भाई। नज़ारे देखिए ब्लू वर्ल्ड के, क्या नज़ारे भाई। आप लोग इसका इंस्टाग्राम भी देख सकते हो ओपन करके, ब्लू वर्ल्ड वाटर पार्क का। और बात की जाती भाई यहाँ तो जान लीजिए एक फिल्म सिटी जैसे देखते होंगे आप लोग, जस्ट वैसा ही कुछ फीलिंग आपको आने वाली है। जस्ट आप लोग पार्क के सामने से आएंगे तो आपको कुछ ऐसा नजारा आपको यहाँ पे देखने मिलेगा, एक्वेरिया मतलब आप पूरा देखेंगे तो यहाँ पे क्या नजारे भाई, पूरा आपको एडवेंचर करने को यहाँ पे ही मिलेगा भाई। सामने देख पा रहे कितने बड़े बड़े झूले। चलिए हम आपको ले चलते हैं पहले वाटर पार्क में। भाई ये कानपुर का काफी लंबा वाटर पार्क होने वाला है आपको यहाँ पे देखने को भाई। एक अगर आप लोग नज़ारा देखेंगे तो पूरी फिल्म सिटी से कम नहीं होने वाली यहाँ पे, जितने भी नज़ारे आप लोग देखने पसंद करेंगे यहाँ पे, बड़े बड़े मतलब क्या क्या चीज़ें बनी है भाई, जैसे ऐसे चीज़ें आपने देखी नहीं होंगी। सबसे पहले आप लोग अगर लेने जाएंगे कॉस्ट्यूम तो मिलेगा नहीं ऐसे, सबसे पहले आपको इसको ले आने के बाद आपको बिल कटानी पड़ेगी। जस्ट हम लोग चल रहे हैं कॉस्ट्यूम रेंटल काउंटर पे। कॉस्ट्यूम रेंटल काउंटर का आप लोग रेट देख ही पा रहे हैं, 100 रुपये कॉस्ट्यूम का, 100 रुपये लॉकर का, प्लस 200 रुपये आपका रिफंडेबल होने वाला है। तो चलिए हम लोग लाइन लगाते हैं और अपने कॉस्ट्यूम के लिए पर्ची कटाते हैं। भाई घर से थोड़ा बहुत पैसा लेके आए भाई, यहाँ पे आने के बाद पता चला इतना रुपये लग रहा है, 600 तो सिर्फ कॉस्ट्यूम का, 2 कॉस्ट्यूम एक लॉकर का ही मार दिया भाई। चलते हैं अंदर में, अब लेते हैं लॉकर कॉस्ट्यूम, उसके बाद चलते हैं एंजॉय करते हैं। सभी हम लोगों ने लॉकर ले लिया, कॉस्ट्यूम ले लिया, और जस्ट हम लोग पहन भी चुके हैं अपना कॉस्ट्यूम भी, और हम लोग चलते हैं अब स्लाइड ट्राई लेने। ऑडियंस अभी हम लोग आ चुके हैं वाटर स्लाइड की ओर, काफी लंबी लंबी आपको स्लाइड देखने को मिलेंगी यहाँ पे, और जस्ट इधर जंगल सफारी छोटा वाला भाई, और बड़े बड़े ये क्या है होटल से क्या है मेरे को नहीं पता। और इधर के साइड आप देख पा रहे हैं स्लाइड्स काफी लंबी है और पहाड़ों की तरह इसको बनाया गया भाई। चलिए मजा लेते हैं स्लाइड्स का, इसको पहले वाटर ट्यूब कैसे लेके आते हैं, ले चलो। क्या आने वाला है भाई, काफी धमाल आने वाला है, और इन सीढ़ियों को पकड़ के चलिएगा क्योंकि आप लोग ले चलेंगे स्लाइड ट्यूब, तो सीढ़ियों को पकड़ के चलिएगा क्योंकि काफी ज्यादा खतरा रहता है, पानी ज्यादा गिर रहता है नीचे की साइड पे, तो एंजॉय करते हैं पब्लिक। और यहाँ हम लोग चलने वाले स्लाइड में, मजा आने वाला है कि नहीं भाई, लोग मजा आने वाला है, चल रहे भाई। काफी ज्यादा मजा आ रहा है यहाँ पे आने के बाद, चलते हैं स्लाइड लेने भाई, स्लाइड से मजा आता है।
भाई इस स्लाइड जो देख पा रहे हो काफी खतरनाक स्लाइड होने वाली है और बहुत ही रैपिड स्लाइड होने वाली है। चलते हैं, देखते हैं, इसका मजा लेते हैं, बताते हैं कैसा है इसका नजारा भाई, और मजा कितना था, डर कितना था बताते हैं आपको चलने के बाद। गाइस ये वाला नया बना है, अभी ये जल्द में ऑन हुआ है और अभी आप इसकी देख पा रहे हैं मेंटेनेंस बहुत ही बढ़िया है। ये क्या भाई, चलो ओ वाओ मजा आ रहा है। और यहाँ सभी आ चुके हैं हम लोग बेपूल में का मजा लेने, और बेपूल ऑन हो चुका है, 2 बजे का टाइमिंग, बट उससे पहले ऑन कर दिए यहाँ का बेपूल। यार काफी टाइम से एंजॉय करते करते कुछ खाने का मन कर दिया, तो अभी हम ले चल रहे हैं अपना टोकन जो मिला था, इससे चलते हैं अभी फूड कोर्ट में और एंजॉय करते हैं कुछ खाने पीने का, देखते हैं क्या क्या चीजें मिलने वाली है। अभी गाइस ये है यहाँ का फूड कोर्ट, जितना बड़ा आप देख पा रहे हैं, पूरी काफी ज्यादा भीड़ लगी हुई है और धूप में भाई ऐसे खड़ा भी होना पड़ेगा, आप देख पा रहे हैं कितना ज़्यादा धूप लगने पे यहाँ पे जलन भी हो रही पैरों में। और एंजॉय करते हैं चलते हैं खाने पीने का, सबसे पहले तो उससे पहले भाई कुछ सहना भी पड़ता है कठिनाइयों को, और फूड कोर्ट आप देख पा रहे हैं कितना बड़ा बनाया गया अंदर में। और यहाँ सभी हम लोगों ने लंच ले लिया है, बट यार इधर बैठने की व्यवस्था कम दिख रही है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा भीड़ है इस समय, और अभी यहाँ पे चेयर है, चेयर पे हम लोग बैठ के खा लेते हैं इन दोनों पे। ऑडियंस अभी मैंने नहा धो लिया दोबारा से, मतलब कांवर तो अंदर में लगा था, नहाया धोया और मैं फिर से तैयार हो चुका हूँ यहाँ से निकलने के लिए, और मैं चलूँगा यहाँ के अम्यूजमेंट पार्क का मजा लूँगा। उससे पहले मैंने अपने कॉस्ट्यूम काउंटर पे मतलब अपना कॉस्ट्यूम दे दिया, जो कि सामने के साइड कॉस्ट्यूम काउंटर आप देख पा रहे हैं नज़ारा, और अब हम यहाँ से पर्ची जो पाए थे जहाँ से बनवाए थे ये पर्ची, वह पर्ची वहाँ पे देंगे, उसका पेमेंट मुझे रिसीव होगा 200 रुपये रिफंडेबल था, तो मैं उसको रिफंड मतलब 200 का क्या भाई 300 रुपये रिफंडेबल मेरा बनेगा, तो मैं उसको लूँगा और चलता हूँ बोतल पानी लेता हूँ, उसके बाद चलता हूँ थोड़ा इन्जॉय करता हूँ फिर से। अभी हमने अपना रिफंड ले लिया और अब हम चलते हैं आगे, यहाँ पे है 7D करके, आइए दिखाते हैं आपको 7D का नज़ारा। ऑडियंस ये है 7D का नज़ारा, 7D शो एंड पंजाबी विलेज, कुक्कड़ कमाल का एंड साट समुंदर पार, जर्नी टू स्पेस। तो अंदर के साइड हम चलते हैं और आपको हम विजिट कराते हैं 7D शो को, और आप देख पा रहे हैं क्या खतरनाक भाई ये ब्रिज बनाया गया है, नज़ारे तो भाई आप एकदम रहीसी वाली देखेंगे, फीलिंग पूरी रहीसी वाली भाई,
इस वाले पुल पे चलने के बाद तो बहुत ही मजा आने वाला है। और जो शो दिखाएंगे आपको उस शो को जरूर देखिएगा, कैसा होगा आप लोग फील करके बताइएगा। और अगर आप लोग विजिट कर रहे हैं ब्लू वर्ल्ड वाटर पार्क तो 7D का नज़ारा देखने के बाद अगर आप वो शो देखते हैं उसके बाद बताइए कैसा लगा आपको। चलिए हम दिखाते हैं आपको। बढ़िया 7D की लाइन, आप देख पा रहे हैं कितनी लंबी लाइन लगी हुई है नीचे तक की। आइए देखते हैं इसमें चल के। ऑडियंस अभी हम लोग 7D शो में बैठे हुए हैं, देखिए क्या होता है नज़ारा। ऑडियंस यार फीलिंग्स काफ़ी अच्छी थी। यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे पानी के सारे छिट्टे जो आते हैं सामने से आते थे। 3D शो यहाँ पे चल रहा था भाई और चश्मे हमारे यहाँ पे थे भाई। यार इसमें आने के बाद 7D शो में काफ़ी ही बेहद मज़ा आया, जो कि क्या एक्सप्लोर ही करूँ मैं तुमको। पानी आ गया भाई ऊपर इसके और भाई एक्सप्लोर करने की बात जाने ही दो भाई, बहुत मज़ा आया। इतना मज़ा कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। बस रियलिटी सीन ऐसी थी कि आप जब बैठेंगे उस चीज़ पर ना खुद में रियलिटी वो देख पाएंगे, जैसे कि भूत उस सामने हर चीज़, मतलब ऐसी आपके जैसे फ्यूचर में कोई चीज़ सोचा रहता है ना वो चीज़ वैसे होता है, तो वो वैसा ही है भाई। रोलर कोस्टर का सफर हमारा शुरू होने वाला है और राइड जस्ट स्टार्ट होने वाली है भाई। भाई हम लोग की राइड स्टार्ट होने वाली है तो चलते हैं भाई, लोग विजिट करते हैं इस रोलर कोस्टर पे। इधर आ जाओ, हेलो इधर आ जाओ। भाई हम लोग की जर्नी स्टार्ट हो चुकी है रोलर कोस्टर की, कैसा होता है सफर आप लोग देखिएगा पूरा वीडियो में। स्टार्ट ब्रो। यहाँ पे आने के बाद थोड़ा जो रोलर कोस्टर है इसकी स्पीड थोड़ा कम हो जाती है क्योंकि यहाँ से हमारी स्पीड होने वाली है काफी ज्यादा और हम लोग ऊंचाई पे चलते आ चुके हैं। आप यहाँ से नजारा पूरा देख पा रहे होंगे, यहाँ ब्लू वर्ल्ड का आप देख रहे होंगे। तो गाइस ये देखिए आ चुके ऊपर, अब हम लोग ऐसे घूमते घूमते नीचे चलने वाले हैं। मजे तो आए बट भाई कम आए, मतलब उतना राइड नहीं मिली, थोड़ी सी राइड मिली है सिर्फ 2 मिनट की राइड लेने के लिए, मतलब मांग चलिए 20 से 25 मिनट आधा घंटे का वेट करना पड़ा ओनली 2 मिनट्स की राइड के लिए। और जस्ट हम लोग यहाँ से निकलते हैं, रोलर कोस्टर की राइड हमारी समाप्त हुई और चलते हैं कुछ नई चीज विजिट करते हैं यहाँ पे, देखते हैं जिसमें भीड़ कम होने वाली उस चीज को हम विजिट करते हैं यहाँ पे चल के। ऑडियंस अभी हम लोग पहुंच चुके हैं ब्लू वर्ल्ड के सुहाने से सफर में और आपको हम विजिट कराते हैं यहाँ का सुहाना सफर कैसा होता है, खतरनाक होता है सुहाना होता है। अब इस पे बैठने के बाद अंदर चलने पता चले कैसे होने वाला इसका सफर। लेट्स स्टार्ट। भाई लोग देखिए ये भाई आदि मानो ये क्या भाई, पहले का शिकार आप देख पा रहे हैं कैसे होता था। दरियाई घोड़ा भाई, ओ भाई हाथी, अली बाबा 40 चोर भाई कहाँ है भाई, पूरा अंधेरा इसके अंदर। ओ खजाना कहाँ है भाई, ओ भाई अली बाबा के खजाने, ये अली बाबा के खजाने भाई, लूट लो भाई। 40 चोर की जगह भाई 8 चोर बैठे हुए हैं। सुहाने सफर में लौट का है भाई, सुहाना कम खतरनाक ज्यादा लग रहा था बट बात क्या की जाए,
अचानक बार बार जो लाइट थी वहाँ की ब्लिंक करके मतलब आगे वालों के मतलब चल जा रही थी, बट जो पीछे के लोग थे हम लोग के जहाँ पे थी वो लाइट बंद हो जाए भाई, बताए क्या आपको। ऑडियंस अभी हम लोग आ चुके हैं ब्लू वर्ल्ड के सबसे हाइट वाले झूले पे चलने वाले हैं और यहाँ से हम आपको नज़ारा दिखाने वाले हैं पूरे ब्लू वर्ल्ड का। मतलब ये जो भाई लोग झूला है सिर्फ यह झूला इस पार्क का व्यू देखने के लिए है, तो चलिए हम विजिट कराते हैं इसमें चल के। कैसा दिख रहा है भाई? ऑडियंस अभी आप देख पा रहे हैं कितना ऊंचाई पे आ चुका हूँ नीचे से, अभी तो भाई बीच में अभी और ऊपर जाने वाला, अभी जान लो मैं आधे पे आया हूँ अगर आप देखेंगे तो। वाह क्या नज़ारे हैं इस खिड़की से भाई, खिड़की से आप नज़ारे देख पा रहे हैं हमारा और इस पार्क का, और नीचे का व्यू देखिए कितना ऊँचाई पे आया हूँ मैं। ऑडियंस आपको यहाँ पे यार काफ़ी सारी राइड्स देखने को मिलेगी, बस आप लोग अगर यहाँ पे आ रहे हैं तो निश्चिंत होकर एकदम समय भाई जितना समय हो पाए उतना समय आप लोग लेके आइए, क्योंकि यहाँ पे भाई समय आपको पता नहीं चलेगा, समय ऐसा बीत जाएगा कुछ मतलब एंजॉय करते करते पूरा आपका समय बीत जाएगा भाई कुछ पता नहीं चलेगा। चलो दिखा देता हूँ भाई, देखिए भाई ये शायद कार और उसमें लड़ाने वाला है, चल के देखिए क्या होता है। ऑडियंस आप लोग काफ़ी सारे यहाँ पे झूले विजिट कर सकते हैं अगर आप लोग आते हैं तो, क्योंकि भाई टाइम काफ़ी ज़्यादा इसमें होने वाला आपका वेस्ट, मतलब अगर आप लोग आ रहे हैं इन्जॉय करने के लिए तो इन्जॉय कर सकते हैं आप लोग टाइम मतलब उतना देने के बाद, तो भाई उतना टाइम है नहीं अभी मेरे पास, तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ काफ़ी कम इन्जॉय करने को, और हमें निकलना है लखनऊ और अभी मैं हूँ कानपुर में भाई। ऑडियंस इस पार्क का वीडियो आप सबको कैसे लगा आप लोग बताइएगा, और जैसा भी लगा हो तो कमेंट करके बताइए। यहाँ का जो पूरा पार्क है, यहाँ की साफ़ सफाई, यहाँ के मतलब जो पार्क में आपको क्या चीज़ें बुरी लगी हुई बताइएगा भाई। और जस्ट हम लोग यहाँ से अब निकलने वाले हैं लखनऊ के लिए, हमने आप अगर आप लोग यहाँ पे आना चाहते हैं, जैसे कुछ लोग वीडियो देख के ना आए हों कि कैसे आया जाए, तो अगर सोच रहे हैं आया जाए तो कैसे, तो मेरी एक नई वीडियो आई है जो कि आप लोग मेरे चैनल पर जाके देख सकते हो कैसे यहाँ पर आया जाएगा, तो आप लोग को पता चल जाएगा। तो बाय बाय, मिलते हैं नए वीडियो के साथ।